हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 3x3 रूबिक क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके वजह से आप अपने रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एफ मतलब ऐसे रोटेट करते हैं, एफ इनवर्स मतलब ऐसे रोटेट करते हैं, आर मतलब ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं, आर इनवर्स मतलब नीचे की तरफ रोटेट करते हैं, एल मतलब नीचे की तरफ, आर इनवर्स मतलब ऊपर की तरफ, बी मतलब ऐसे ऐसे, बी इनवर्स मतलब ऐसे, यू मतलब ऐसे, यू इनवर्स मतलब ऐसे। तो आइए मैं आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करना सिखाते हैं। हमारा रूबिक क्यूब और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमें किसी भी कलर से यहाँ पे प्लस बनाना है, तो मैं व्हाइट से बनाता हूँ। वैसे हमने प्लस बना दिया और हम इस कॉर्नर्स को हमें सेम करना है, जैसे रेड रेड है सेम है, ये ग्रीन और ब्लू है सेम नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज सेम है, ब्लू और ग्रीन सेम नहीं है, तो इनको सेम करते हैं। अभी इसको दो बार नीचे लेके जाए, कौन सा कलर है ब्लू, तो ब्लू के पास लेके जाए। अभी इसको ऊपर, तो एक कलर डिस्टर्ब हो गया, हो गया नीचे, तो एक ग्रीन, ग्रीन के पास, वैसे तो सारे कलर मैच हो गए, जैसे रेड रेड, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन। और अभी दूसरा स्टेप, हमें यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज है, तो ग्रीन और ऑरेंज को ढूंढते हैं। ऊपर हमेशा व्हाइट होना चाहिए, जैसे ये ग्रीन ऑरेंज और व्हाइट, इसको ऐसे निकालते हैं। जैसे हमने येलो लगाया तो येलो होगा, हमने व्हाइट लगाया तो व्हाइट होगा ऊपर, तो ग्रीन के पास लेके जाते हैं। ये है ग्रीन ऑरेंज और व्हाइट, तो यहाँ पे आएगा व्हाइट, यहाँ पे आएगा ग्रीन, यहाँ पे आएगा ऑरेंज, यहाँ पे आएगा, तो इसको करते हैं ऐसे, व्हाइट ऊपर आया, ग्रीन यहाँ पे आया, ऑरेंज यहाँ पे आया, तो ऐसे ही करते हैं रेड और ग्रीन को। ये है रेड और ग्रीन, ऐसे ही बस ऐसे ही करना है हमको, इसे भी ऐसे ही और इसे भी ऐसे ही, ब्लू और रेड है तो ब्लू और रेड, ये रहा, बस ऐसे ही करना है हमको। हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया, तो सेकंड लेयर की बारी। हमें इन कॉर्नर्स को सेम करने हैं, जैसे ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ऐसे करने हैं हमको, तो सेम करते हैं। एक कौन सा जो ऊपर जो येलो है हमको यूज नहीं करना, जैसे येलो और ब्लू है इनको यूज नहीं करना, येलो और रेड है इनको भी यूज नहीं करना, येलो और ग्रीन है ऑरेंज है तो इनको भी यूज नहीं करना, रेड और ग्रीन है तो इनको यूज करना है। ये रेड के पास लेके जाए, रेड किस तरफ है, इस तरफ, तो इसको अपोजिट इस तरफ होगा, अगर ग्रीन इस तरफ होता तो इस तरफ होता, तो ग्रीन इस तरफ है, इसको अपोजिट, इसको अपोजिट ये है, तो इस तरफ का फॉर्मूला होता है, इसको ऊपर ऐसे ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे, ऊपर का बन गया और ये दोनों मैच करने लगे। अभी सेकंड की बारी, अभी है ऑरेंज और ग्रीन, ये ग्रीन कहाँ पे, इस तरफ, तो इस तरफ करेंगे, तो इस तरफ का फॉर्मूला होता है ऊपर ऐसे, फिर नीचे, फिर इसे ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे, बस ये भी सेम हो गए। अब इसकी बारी कि ब्लू है तो ब्लू की बात लेके जाए, ऊपर कौन सा कलर है, रेड, तो रेड को अपोजिट इस तरफ, इस तरफ का फॉर्मूला होता है ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, बस बस अभी एक कलर बचा है, ये रहा, इस तरफ करना है इसको अपोजिट ऐसे, इस तरह से ऊपर, फिर ऐसे नीचे
ऐसे बस सेकेंड लेवल पे हमारा सॉल्व हो गया। फिर दूसरा तीसरा स्टेप ये है कि ऊपर का पूरा सेम करना है, हमें प्लस बनाना है। तो आए बनाते हैं, ये होता है एक ऐसे ऊपर, फिर इसमें भी ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक लाइन बन गया। तो एक और बार करना है हमको, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, बस। तो एक तरफ से प्लस ही माना, तो इसको हम कॉर्नर में रखते हैं। और अब एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, ऊपर इस तरफ, नीचे इस तरफ, ऊपर नीचे। देखो हमारा कलर बिगड़ा भी नहीं, वाइट वाइट ही है। और अभी ऐसा आया तो आपको येलो को लेफ्ट साइड में रखना है। तो एक और फॉर्मूला यूज करना है, वही फॉर्मूला है, ऊपर ऐसे, नीचे ऊपर नीचे, बस। और कलर को येलो कलर को लेफ्ट रखना है, जैसे येलो है इसको लेफ्ट रखना है, ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको कॉर्नर में रखना है, इस कलर को कॉर्नर में रखना है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर का पूरा बन गया, तो ये पीछे का भी बन गया, रेड बन गया। तो अभी इनको सेम कॉर्नर को सेम करना, जैसे ग्रीन ग्रीन लेके आना है, ऑरेंज ऑरेंज लेके आना है, ब्लू ब्लू लेके आना है, ऐसे। तो रेड तो पूरा ही बन गया, तो रेड को पीछे रखेंगे हम। तो एक और फॉर्मूला, इसको नीचे ऐसे ऐसे दो बार, फिर उसको ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर इसको नीचे। तो एक ग्रीन के पास लिखा जाए तो इनका कॉर्नर सेम हो गया, ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज, ये तो पूरा ही बन गया, और रेड रेड। तो जो पूरा बन गया उसको पीछे रखेंगे। तो पीछे रख लिया हमने, अभी हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, दो बार ऊपर ऐसे, फिर नीचे, इसको भी नीचे, ऊपर, फिर इससे भी ऐसे, इससे भी ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका क्यूब सॉल्व हो गया, देखो पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।